स्टॉक विद अभी आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं कंपनी उषा मार्टिन के ऊपर। उषा मार्टिन को देखें तो ये कंपनी लगातार रिटर्न दे रही है, लगातार रिटर्न दे रही है। और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो हम यहाँ रिटर्न की बात करें तो रिटर्न देखते हैं, एक दिन में 2.5% का, एक सप्ताह में 30% का, एक महीना में 22% का, 6 महीने में 28% का, एक साल में 36% का, 2 साल में 229% का, और 5 साल में 1582% का, और 10 साल में 1876% का। मतलब जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, चाहे वो 1 साल से किया हो, चाहे 2 साल से किया हो, चाहे 5 साल से किया हो, चाहे 10 साल से किया हो, अब 10 साल तक तो खैर करने वाला कोई नहीं बैठा होगा, लेकिन जिसने भी इन्वेस्ट किया है तो उसको इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो आज हम इसके सारे फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल देखेंगे। अब हमको लेना है तो किस प्राइस से लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, सारा कुछ चर्चा करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पता चलेगा कि हमें स्टॉक में क्या करना है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, एक तो ये देखेंगे कि ये करती क्या है कंपनी, क्यों इसमें इतनी जबरदस्त तेजी चल रही है। तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं। अब इस कंपनी को देखो तो यहाँ पढ़ते हैं कि उषा मार्टिन स्टार्टेड इन 1961 इन रांची। रांची में स्टार्ट हुई थी 1961 में, और ये कंपनी झारखंड एज ए बायर रोप मैन्युफैक्चर कंपनी। ठीक है सर, बायर रोप मैन्युफैक्चर कंपनी है, तारों की मैन्युफैक्चर कंपनी है, स्टील तारों की। और ये अगर देखें तो द ग्रुप हैज सेट ए न्यू स्टैंडर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायर रोड्स, बायर रोड और ब्राइट बार्स, स्टील वायर्स, स्पेशली वायर्स, बायर रोप्स, स्टैंड कॉन्वियर कॉर्ड, बायर ड्रॉइंग एंड केबल मशीनरी। ठीक है सर, और ज्यादा ज्यादा कुछ देखने के लिए हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पे ये पता चलेगा कि बायर बायर के अलावा और कुछ और किस प्रकार की तार बना रही है, इसलिए इस कंपनी लगातार रिटर्न दे रही है। और अब हम आते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे अगर देखें तो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफॉर्म वायर रोप्स, एलआरपीसी स्ट्रैंड, वायर प्री स्ट्रेसिंग सॉल्यूशन, मशीनरीज एंड केबल्स। ठीक है सर, उसके अलावा ये देखें ये क्या है, इसके ये जो बनाती है वायर रोप है और बायर है, ये सारा कुछ ये कंपनी की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा जो भी कंपनी काम करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का कहाँ कहाँ विस्तार है, कितने देशों में विस्तार है वो देख, तो ये देखे तो इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, उसके बाद यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूएसए में। तो कंपनी का जो व्यापार है वो चारों तरफ फैला हुआ है, मिडिल ईस्ट एशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएसए में भी, ये सब तरह सब जगह कंपनी ने अपना व्यवसाय फैला रखा है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए उषा मार्टिन है ये लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ बायर रोप्स, स्टेबलाइज इन 1960। द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज द मार्केट लीडर विद इट्स मल्टी यूनिट एंड मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। उषा मार्टिन बायर रोप्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन रांची, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रांची में है और ये एक लीडिंग प्रोवाइडर लीडर है मैन्युफैक्चर ऑफ बायर रोप्स में। ठीक है सर, तो इसका व्यवसाय जो है वो आपने देख लिया किस तरह से सब जगह फैला हुआ है, और ये एक मैन्युफैक्चर लीडर मैन्युफैक्चर है बायर रोप्स में। उसके बाद अगर देखते हैं, अगर इसके फंडामेंटल की तरफ हम चलते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 13,468 करोड़ का है मार्केट कैप। करेंट प्राइस अगर इसकी देखें तो आज ये 442 रुपए के पास चल रहा है, 442 रुपए इसकी क्लोजिंग हुई है, और हाई इसने 451 रुपए का लगाया है जो कि मतलब अपने हाई के आसपास ही है, और लो अगर देखें तो 253 रुपए का लो है, और पीई रेशियो स्टॉक का 31.5 का है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 78 रुपए की बुक वैल्यू का स्टॉक है, पर शेयर बुक वैल्यू दी गई है तो इसकी शेयर की एक कीमत जो शेयर की कीमत है वो 78 रुपए की है। अगर यहाँ आरओसी और आरओई देखा जाए तो 22.1% का है, और आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 19.2% की है। फेस वैल्यू 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 0.60 है, तो पीई रेशियो के अनुसार अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी भी आपको सही प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि अगर एक से कम पीई रेशियो होता है तो स्टॉक आपको सही प्राइस पे मिलता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पीई रेशियो इंडस्ट्री का 27 का है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिविडेंट, यहाँ पे आपको डिविडेंट भी कंपनी देती है, डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम कर जाए कंपनी के पास, पेट्रोस की स्कोर 8 का है जो कि डिसेंट है। मैंने आप अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पहले से पता होगा कि जब पेट्रोस की स्कोर 8 या 9 का 7 से ऊपर जाता है तो एक बहुत अच्छी कंपनी मान ली जाती है, तो अच्छी कंपनी है।
रिजर्व भी कंपनी के पास है 2349 करोड़ का रिजर्व भी है, प्लेज परसेंटेज जीरो है। तो कंपनी यहां तक सारा कुछ कंपनी में बहुत ही जबरदस्त है, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 45% की है, डीआईआई होल्डिंग भी 4.88% है। अब हम इसके जरा क्वार्टरली रिजल्ट पर भी देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो यहां से अगर देखने प्रयास करते हैं हम 2021 से देखते हैं, सितंबर 2000 जून 2021 से लिखे हैं ये, तो 615 करोड़ की जो सेल्स थी उसको ये 2024 तक 826 करोड़ ला पाई है, ठीक है सर। लेकिन कहां से बढ़ोतरी लगातार आ रही है, ये 2023 सितंबर 2023 से 785 797 829 826 लगातार सेल्स बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 19% के मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी, पहले जो कि 15% मार्जिन था अब वो 19% का मार्जिन ले आए हैं, 20% तक का मार्जिन, तो ठीक ठाक मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाए, अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पहले जो 58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था अब वो लगभग 100 करोड़ पे प्रॉफिट ले आए, मतलब दूना प्रॉफिट ले आए। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस 3.42 का है, तो ईपीएस लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही कंपनी के रिजल्टों में भी। अगर साल दर साल का रिजल्ट देखें हम तो साल दर साल के रिजल्ट 2021 से ही देखते हैं तो 2097 से अब 3,237 करोड़ की सेल्स है, और यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कभी माइनस में भी चला गया था, ठीक है सर। उसके बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 291 करोड़, 351 करोड़, 424 करोड़, 427 करोड़, लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस भी उसी के अनुसार बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार कंपनी प्रॉफिट देती चली आ रही है। इसीलिए कंपनी लगातार आपको लगातार 10 सालों से लगातार प्रॉफिट कंपनी भी दे रही है, तो आपको शेयर धारकों को प्रॉफिट मिल रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 15% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 42% है, स्टॉक सीएजीआर 1 साल का 35% है, 3 साल का 70% है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो 19% है। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट पर नजर डालें तो रिजर्व कंपनी के पास 2349 करोड़ का है, कर्जा कंपनी के पास मात्र 364 करोड़ का है, और सबको अगर देखा जाए तो टोटल लायबिलिटी 3,313 करोड़ की है, जो कि उसने खर्च कर रखी है, फिक्स्ड कर रखे हैं 1,153 करोड़ के, 166 करोड़ का कामकाज भी चल रहा है कंपनी का जो वर्क प्रोसेस में है वो, और अदर एसेट्स लगभग 1900 करोड़ के हैं, और टोटल आपके इस तरह उसने 3,313 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं, ये तो बैलेंस शीट है उसकी। अब इसकी जरा डेज और देखते हैं, रेशियो डेज, अगर रेशियो डेज में अगर देखा जाए तो ये लगभग 90 दिनों के आसपास होने चाहिए, तो कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल और कैश कन्वर्जन साइकिल, ये थोड़ा सा कैश कन्वर्जन साइकिल ये थोड़ी बढ़ती आ रही है, ये थोड़ा चिंता की बात है, 126 दिन, 153 दिन, फिर ये 204 दिनों पे आ गए, मतलब 6 महीने ले रही है लगभग कंपनी, क्योंकि 1 महीना 30 दिन होते हैं तो 6 महीने हुए, 6 महीनों में कंपनी अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को पूरा कर पा रही है। डेज पेबल देखें तो बहुत ठीक मेंटेन है, 56 दिन ले आई है। अब इन्वेंट्री डेज, ये 199 दिन है, इन्वेंट्री डेज जो अपना माल उसका जो पड़ा रहता है उसको कितने दिनों में सेल्स कर पा रही है, तो वो 199 दिन ले आई है, ये भी थोड़ा ज्यादा कर रहा है, तो इसको भी मेंटेन रखना है, और 90 दिनों के अंदर जितना कम हो वो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आपके पास माल पड़ा है वो आप जितनी जल्दी उसको सेल कर पा रहे हैं वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये सारा अगर वर्किंग प्रोसेस अगर देखी जाए, इसकी डेज अगर ये देखे जाते हैं डेज तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ में इसको जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल है इसको थोड़ा मेंटेन करना है, और वर्किंग कैपिटल डेज ठीक है ये 19 दिन, लेकिन ये थोड़े बढ़े हैं यहाँ पे भी, और इस तरह अगर ये और मेंटेन हो जाते हैं तो ये कामकाज अगर 90 दिनों के अंदर आ जाता है तो कंपनी यहाँ से आपको मल्टीपल रिटर्न देती दिखाई देगी। अब इसके जरा हम चार्ट पर चलेंगे, टेक्निकल देखेंगे क्या चार्ट कह रहा है, और शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 45% माल है, ठीक है सर, और प्रमोटर के पास एक ये आ रही है कि पहले 50%, 49%, 49% प्रमोटर लगातार अपने माल को कम करता चला जा रहा है, इसको और थोड़ा देखना है कि प्रमोटर जो है माल को, लेकिन 45% है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और पब्लिक अगर देखें तो पब्लिक 35% एंटर कर गई है, पब्लिक पहले का पब्लिक के पास 42% माल था अब 35% है, जो पब्लिक ने माल हल्का किया है उसको FIIDI ने भी माल बढ़ाया है, देखो 8% अब 14% 14.19%, पिछले क्वार्टर में मार्च वाले में 14.78% था अब ये 14.19%, अब सेप्टेम्बर क्वार्टर जब अपडेट हो जाएगा तब यहाँ पता चल जाएगा सेप्टेम्बर की आपकी जो रिजल्ट आएगा तो उसमें किस प्रकार का FIIDI की होल्डिंग चली है, लेकिन जून के क्वार्टर में DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी लेकिन FIIDI ने कम की थी, ठीक है, और पब्लिक ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी थी अब, लेकिन जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो कम हो गई। अब ये चिंताजनक बात है कि लगातार प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए, और एक दो क्वार्टर में देखते हैं फिर साल दर साल देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग किस प्रकार से चल रही है।
लेकिन FIIDI कंपनी में एक्टिव हैं और पब्लिक के माल प्रमोटर पब्लिक के पास प्रमोटर से तो थोड़ा सा कम माल ही है, प्रमोटर के पास ज्यादा माल है। इसलिए अभी इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कंपनी में। अब इसके टेक्निकल पर जरा ध्यान देते हैं कि रिजल्ट इसका इसका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब आप अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो मैंने डाली है तो लगातार स्टॉक ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है सर। तो जब लगातार स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो स्टॉक भी कंपनी भी ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि ब्रेकआउट दिया देखो 142 रुपये ब्रेकआउट देने के बाद लगातार स्टॉक ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ, फिर इसने फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है और यहां से फिर आपको ये स्टॉक ऊपर की ओर चलता ही जा रहा है, ठीक है सर। कोई दिक्कत अभी तक न तो चार्ट पैटर्न के अनुसार नजर आ रही है और ना ही कोई अभी नजर आ रही है। स्टॉक लगातार अप मूव में बना हुआ है और यहां से फिर ये स्टॉक देखिए आपको, अगर ये स्टॉक अभी कितने का चल रहा है, 440 के पास चल रहा है, लेकिन जो यहां से जो इसने ब्रेकआउट दिया है 410 या 412 के पास जो ब्रेकआउट दिया है, अगर इस रेंज में आपको मिलता है स्टॉक, ये 410 और 412 की जो रेंज है, तो इस रेंज में स्टॉक को लेने का प्रयास करिए आप। और ये स्टॉक अब यहां से मुझे ये लगभग आपको 500 की तरफ जाता दिख रहा है, स्टॉक 500 पे 550 की तरफ जाता दिख रहा है। थोड़ा सा और टेक्निकल और देखते हैं इसका, उसके बाद हम बात करते हैं। हम थोड़ा सा और अगर इसके टेक्निकल देखें तो मैंने आप एक मनी फ्लो इंडेक्स डाला है और मैंने एक RSI डाला है, मंडे का चार्ट है इसका। तो यहां से क्या है कि ये स्टॉक RSI के आधार पे भी, RSI कितनी चल रही है इसकी, RSI अगर देखें तो RSI 77 के पास चल रही है, तो जो स्टॉक को ओवरबॉट जोन में दिखाती है, ठीक है सर। अब ये RSI या मनी फ्लो इंडेक्स ये केवल एक ट्रेडर के लिए होते हैं, एक उनके लिए नहीं है जो कि मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये बात और आप ध्यान रखिए। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं आपको इस तरह बता रहा हूं कि इस स्टॉक को आपको लंबे समय पे के लिए रखना है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी ये RSI देखिए कितनी है, 77 के पास, तो RSI थोड़ा और ऊपर ये लगभग, क्योंकि पहले भी देखिए तो 81 के आसपास ये थोड़ी नीचे की आई है RSI, ठीक है। वहां से फिर स्टॉक में गिरावट हुई है 81 या 82 के आसपास, तो ये स्टॉक आपको यहाँ से अब ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, ठीक है, और लगभग 450 या 460-470 आपको दिखा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आएगी, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो अगर आप इसमें, आपको क्या करना है, इसमें आपको लंबी पोजीशन बनानी है, तो फिर ये स्टॉक जब गिरावट में आपको 410 के या 400 के आसपास मिले, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आप थोड़ा समझिए कि अगर आपको स्टॉक कि ये स्टॉक अगर आपको 410 जो कि बेस है इसका, देखिए जब ऊपर स्टॉक और जाएगा यहाँ से, अभी 450 460-470 ये आराम से यहाँ से जा सकता है, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ, जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा उसके बाद जब ये स्टॉक आपको गिरावट में कितने मिले, 410 या 400 के रुपए के आसपास मिले, वहां पे आप ऐड करते जाइए। आप दिया या आप एक काम करिए, आप थोड़ी सी क्वांटिटी अभी आप ऐड करिए और लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखिए, तो जब फिर नीचे स्टॉक आए तब आपको फिर ऐड करना है और धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी ऐड करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि स्टॉक में इतनी क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है कि आप इसमें 2-4 लाख के रुपए के लेके डाल दो, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में आपको ऐड करना है और उसी प्रकार ऐड करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है। अगर शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म भी आपको ये स्टॉक मुनाफा दे सकता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से कितने में ब्रेकआउट दिया है, 413 रुपए ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक अब आपको यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी 450 और 460-470 तक जाता दिख सकता है, ठीक है सर। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म पोजिशन बनानी है और स्टॉक में धीरे धीरे आपको ऐड करने, और कितने भागों में, 3 भागों में, ये ध्यान रखना, जितनी आपको क्वांटिटी लेनी है उसको 3 भागों में ऐड करना है। और ये स्टॉक आपको यहां से बम्पर रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को। अगर आप 1-2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉक आराम से इजीली स्टॉक आपको 800 या 900 रुपए के आसपास दिखाई देगा। अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छे हैं, केवल एक कमी है कि प्रमोटर अपना माल हल्का कर रहे हैं और वो अब ये देखते जाना है कि और आगे वाले क्वार्टर में या आगे वाले जो इनके रिजल्ट आएंगे कहीं प्रमोटर पूरा माल धीरे धीरे हटा तो नहीं रहे हैं, बस ये आपको देखते जाना है। और उसके केवल शेयर होल्डर पैटर्न देखते जाना है और रिजल्ट देखते जाना है, किस प्रकार के इनके रिजल्ट आ रहे हैं। जब आप स्टॉक में लंबी पोजीशन बनाते हैं, 2-3 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको रिजल्ट और प्रॉपर उसके ऊपर निगाह रखनी पड़ती है स्टॉक के ऊपर, कि स्टॉक कहाँ जा रहा है, कैसा चल रहा है, और बाकी के फंडामेंटल स्टॉक के ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न दे सकता है, बशर्ते आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपको सारी बातें मैंने समझाई,
शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न दिखा सकता है और लगभग 460 470 के आसपास जाता दिख सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आपको लंबी पोजीशन बनानी है तो आपको धीरे 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 जब ये स्टॉक गिरावट में आए, क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में, जब ये गिरावट में आएगा स्टॉक तब आपको धीरे धीरे ऐड करते जाना है। तो आपको सारी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया, अच्छा स्टॉक है, आप इसमें लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपको अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।